राजस्थान में बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा रोजगार किसान कल्याण पर जोर। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर नाकामी का आरोप लगाते हुए संकल्प पत्र को बताया विकास का रोड मैप। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप। न्यूज 18 के मंच पर जेपी नड्डा एक्सक्लूसिव एजेंडा राजस्थान में आज रात 8 बजे। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे फेज की 70 सीटों पर कल होना है मतदान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए कोशिश जारी। नई मशीन से होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले मजदूरों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच इस साल की पहली मुलाकात। तनाव कम करने पर बनी सहमति के तुरंत बाद बाइडेन ने जिनपिंग को बताया तानाशाह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास पर अस्पताल को कमांड सेंटर बनाने और युद्ध अपराध का लगाया आरोप। कहा हमास के खत्म होने पर ही थम सकता है। Israel did not go in with large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in and they've gone in with their soldiers carrying weapons or guns. निजर विवाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को दो टूक। कहा भारत जांच के लिए तैयार लेकिन कनाडा को आरोपों के समर्थन में देने होंगे सबूत। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ खेलने वाली टीम का आज होगा फैसला। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। महाकोश